नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। कभी हम लोमा पंचायत में हैं जो कि दंदाहा प्रखंड में पड़ता है वैशाली जिले के, और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं कुंदन चौधरी जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 20 से 25 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। कुंदन जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम नल जल योजना पर हम करेंगे। नल जल योजना सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना माना जाता है, क्या लग रहा है आपके पंचायत में योजना कितना सफल है? बिल्कुल, जब से नल जल योजना पीएचडी के अंदर में गई है तब से बिल्कुल ही फ्लॉप है। विगत 6 महीने से मैं खुद अपने मोबाइल से जो उसका कंप्लेंट नंबर है उस पर मैं खुद अपने मोबाइल से कई बार फ़ोन किया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है, कभी नहीं कोई सुनवाई हुई। कहा जाता है कि हाँ मुखिया जी या वार्ड सदस्य या जो भी आम पब्लिक फ़ोन करती है हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अभी मेरे वार्ड में, मैं 7 नंबर वार्ड में मेरा घर है, मेरे घर के पास ही जल मीनार लगा हुआ है। एक टैंक, 2 टैंक था, एक टैंक को फटे हुए हो गया 3 महीना, वो टैंक अभी तक नहीं जुटा है नल जल का पानी बन। जनता की जो ज़रूरतें हैं पानी, जो कि महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह घर को चलाने के लिए होता है, तो उस परिस्थिति में आप कैसे मरम्मती वगैरह आप करवाते हैं? जनता की शिकायतें तो आपके पास आती होगी। मेरे पास आती है, और लोगों की जब शिकायत आती है तो मैं अपने निजी फंड से, अपने पैसा से मैं उसको रिपेयर करवाता हूँ। पदाधिकारी की लापरवाही आप मान सकते हैं, जो पीएचडी विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है पंचायती राज से हटा करके, तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे विफल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विफल है। पीएचडी जब तक पंचायत में, पंचायत से नल जल किया गया, उसके बाद जब मैं मुखिया बना, उसके बाद जब पंचायत चेयरमैन था, तो जहाँ भी जो कंप्लेंट थी उसको मैं विद इन 24 आवर उसको मैं कम्प्लीट करवा देता था, लेकिन जब पीएचडी के अंदर में चला गया तो हम लोग बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आए दिन शिकायत आती रहती है। अगर पंचायती राज को फिर से दे दिया जाए तो क्या लग रहा है, पहले से सुधार हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सुधार हो पाएगा। पंचायती राज को अगर दे दिया जाए तो एक तरह से नीतीश जी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट बिल्कुल काफ़ी सक्सेस था। लोग पानी के लिए तरसते थे इस प्रोजेक्ट, जब मैं मुखिया बना या उससे पहले भी पंचायत में ही रहता था, इससे काफ़ी समस्याओं का, मतलब 90% समस्या का समाधान हो गया था। लेकिन जब से पीएचडी के अंदर दिया गया, अब बगल में 14 नंबर वार्ड है, 6 महीना हो गया वहाँ पानी बंद किए हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। अब 7 नंबर वार्ड में यही स्थिति है, हर मैंने कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है, पानी बहता रहता है, उसको कोई रिपेयर करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते। राशन की क्या व्यवस्था है, राशन सही से मिल रहा है या फिर उसमें भी अनियमितताएं देखने को मिल रही है डीलरों की तरफ से? नहीं, राशन में कोई दिक्कत नहीं है। राशन में अब चूंकि सारा बायोमेट्रिक हो चुका है। वजन को लेकर के शिकायत होती है? मेरे पंचायत में शिकायत नहीं है। कितने डीलर हैं आप? 4-6 डीलर हैं हमारे। मतलब 6 डीलर का शिकायत आपके यहाँ नहीं आती? नहीं, मेरे पास कोई, मैंने वजन के लिए कोई शिकायत नहीं आई है। नरेगा से काम हुआ है कि नहीं पंचायत में आपके यहाँ? हाँ, नरेगा से काम हुआ है। क्या हुआ है? नरेगा से एक दलित बस्ती है, वहाँ गली में फेवर ब्लॉक का काम हुआ है, वहाँ 35 बकरी घर बन के तैयार हुआ है। एक अमृत सरोवर है, वहाँ जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है। ये जो अमृत सरोवर आप बनवाए हैं, वहाँ पे जो ट्रैकिंग बनवाए हैं, वहाँ से कितना गांवों को लगभग लाभ होने वाला है? अब सुबह में लोग घूमने जाते हैं, तो जॉगिंग ट्रैक बनने से पहले एक भी लोग उधर नहीं जाता था, अब सुबह में वहाँ जाएंगे तो कम से कम 100 की संख्या में लोग उसमें घूमते नजर आते हैं। क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो जनता के बीच रूबरू होते हैं, तो क्या कुछ समस्याएं जनता के बीच निकल करके आती है? अब जनता का सबसे फर्स्ट डिमांड होता है कि मुखिया जी इंदिरा आवास, और जब से मैं मुखिया बना हूँ अभी तक कोई नया सर्वे का काम इंदिरा आवास को है ना, काफ़ी लोग जो ज़रूरतमंद है जो वंचित है अभी तक सर्वे का काम। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांगे हैं जिससे कि पंचायत में विकास सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि आपके पास भी 2 से 2.5 साल का समय रह गया है, इस 2 से 2.5 सालों में विकास का काम करना है, कैसे क्या करेंगे? अब सरकार को क्या कहा जाए, हम लोग तो अब डिमांड करते थक गए। 15वीं कस्टम 2 वित्त आयोग है, उसका पैसा आता है,
जो भी फंड आता है उसके बाद उसके साथ सरकार की तरफ से एक लेटर आ जाती है कि आप इस पैसा को इसमें खर्च करेंगे। पंचायत स्तर पे कोई काम नहीं हो पाता, जो लेटर आता है लेटर के हिसाब से काम करना पड़ता है, पदाधिकारियों के हाथ में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, पदाधिकारी जो पदाधिकारी आपके हैं सहयोग करते हैं विकास में? अब निचले स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो क्या कर सकते हैं बेचारे, वो कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से जो आदेश आता है मजबूरी है उनको फॉलो करना है। और कहा जाता है मुखिया जी इसको ग्राम सभा दीजिए, ग्राम सभा से जो नियम है ग्राम सभा से पास करके, लेकिन देना है यही देना है। आप जनता के सेवक हैं तो क्या लग रहा है आपको तो आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ उठा करके देख रहे हैं मुखिया संघ लड़ रही है, और जिस मुद्दे पे मुखिया संघ की आवाज़ उठती है उसी 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 को काट दिया जाता है। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं सरकार से विशेष रूप से हम अगर बात करें तो? अब पंचायत का जो 19 जो पावर था, हाँ 29 जो है 73वें संविधान संशोधन में जो जी का जो सपना था जी, 29 जो अधिकार है अगर पंचायत को दे दिया जाए तो पंचायत में बहुत विकास हो सकता है। जब तक कि वो अधिकार नहीं मिलता है कुछ नहीं हो सकता। ये थे लोमा पंचायत के मुखिया हैं कुंदन कुमार जी चौधरी जी, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पे काम किया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुखिया संघ का जो मांग है अगर वो पूरा कर दिया जाए तो पंचायत में विकास से विकास की धारा बहेगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ में राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, जंदाहा।